मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल वैक्सीन लग रही है, लोगों को डाउट है कि रोजा रखकर वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के दिमाग में काफी सवाल गर्दिश कर रहे होते हैं कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता। दोस्तों, आज मैं आपको 21 चीजें बताऊंगी कि किन से रोजा टूट जाता है और किन से रोजा नहीं टूटता। नाज़रीन इकराम, जिस चार्ट से मैं आपको बताने लगी हूँ ये 100% अहदीस और फिका के मुताबिक है और पक्का मुस्तनिद है। चलो शुरू करते हैं। आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता, कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, लिपस्टिक लगाने से रोजा नहीं टूटता, ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता, इंसुलिन लगाने से रोजा नहीं टूटता, बाल काटने या नाखून तराशने से रोजा नहीं टूटता, जिस्म पर या सर पर तेल की मालिश करने से रोजा नहीं टूटता, इहतलाम हो जाने से रोजा नहीं टूटता, नहाने से रोजा नहीं टूटेगा, मसवाक करने से रोजा नहीं टूटता, नाक से खून बहने से रोजा नहीं टूटेगा, खुद बहुद कह आ जाना, उल्टी आ जाना, रोजा नहीं टूटेगा। दोस्तों, मुंह भरकर उल्टी की जाए यानी कि अगर खुद जोर लगाकर अपने इख्तियार से उल्टी की जाए तो रोजा टूट जाएगा, अगर खुद बहुद उल्टी आ जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, खून देने से रोजा नहीं टूटेगा, खून टेस्ट करवाने से रोजा नहीं टूटेगा, परफ्यूम या अतर लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। अब मैं आपको बताती हूँ किन चीजों से रोजा टूट जाता है। नाक में दवा डालने से रोजा टूट जाता है, सिगरेट तंबाकू नोशी से रोजा टूट जाता है, इनहेलर के इस्तेमाल से रोजा टूट जाता है, माहवारी हैज के आ जाने से रोजा टूट जाएगा। नाज़रीन इकराम, आजकल वैक्सीन लग रही है, लोगों को डाउट है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप इस चार्ट को फॉलो करते हुए वैक्सीन भी लगवा सकते हैं और ड्रिप भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, रोजा तब टूटता है जब एसोफागस यानी कि गले के जरिए अगर फूड डायरेक्ट मैदे में जाए या मैदे में फूड को इंजेक्ट या इंसर्ट कर दिया जाए तो उससे रोजा टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।